साल 2008 मालेगांव धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत श्रीकांत पुरोहित को जमानत मिल गई है। कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पुरोहित 9 साल से नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद थे। इसी मामले में अप्रैल में साध्वी प्रज्ञा को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। आपको बता दें कि NIA ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। पुरोहित 9 साल के बाद अब जेल से बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन उन पर मुकदमा चलता रहेगा। पुरोहित ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें और साध्वी प्रज्ञा को इस मामले में शामिल बताने वाले कई गवाह बयान बदल चुके हैं। इसी आधार पर प्रज्ञा को हाईकोर्ट ने जमानत दी, लेकिन उन्हें राहत नहीं दी गई। गौरतलब हो कि पिछली सुनवाई में पुरोहित की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने दावा किया था कि वो सेना की इंटेलिजेंसी यूनिट के लिए काम कर रहे थे। इसी मकसद से वो ब्लास्ट के आरोपी संगठन अभिनव भारत की बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से उन्हें धमाके का आरोपी बना दिया गया। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।